हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी फेस स्मूथनिंग के ऊपर। गाइस, अगर आप लोग फोटो एडिटिंग करते हैं, चाहे आप लोग मैनिपुलेशन करते हो या फिर रिटचिंग, इन दोनों ही चीज़ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो होती है हमारी फेस स्मूथनिंग। गाइस, जैसे कि फोटोशॉप में जो फेस स्मूथनिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप लोग ने बड़े बड़े मॉडल्स लोग के फोटो देखे होंगे, उनके फोटो में जो फेस स्मूथनिंग होती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की फेस स्मूथनिंग होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है एंड बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में कैसे एकदम फोटोशॉप जैसी नेक्स्ट लेवल वाली फेस स्मूथनिंग कर सकते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल फोन का यूज करके और वो भी एकदम प्रोफेशनली। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सो गाइज, हमारे सामने एग्जाम्पल के लिए ये इमेज है जो कि गुफरान की है, रॉ इमेज है, इसमें कोई भी एडिटिंग अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी स्किन अभी स्मूथ नहीं है एंड थोड़े बहुत पिंपल्स भी शो हो रहे हैं एंड स्किन भी थोड़ी अभी डार्क है। तो यहाँ पर हम इनके फ़ोटो को किस टाइप से स्मूथ करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन में क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर चले जाना है स्नैपशीट एप्लीकेशन में। एंड स्नैपशीट एप्लीकेशन का नाम सुन के आप यहाँ से भाग मत जाइएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि यहाँ पुरानी वाली ट्रिक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पेंसिल वाले आइकन में जाऊँगा एंड लेंस ब्लर में। तो यहाँ पर आप लोग देखते रहना, इस गोले को जो कि हमको सर्कल मिलता है, इसको पिंच करके एक साइड में रख देना है एंड विग्नेट ऑप्शन को बिल्कुल माइनस करके राइट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको कोई भी वर्क नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमको जूमिंग नहीं मिलती है। तो सबसे पहले आपको शेयर वाले आइकन में क्लिक करना है एंड आपका ये वाला इमेज जो है वो हो जाएगा गैलरी में सेव। तो यहाँ पर अभी प्रिपेयरिंग हो रही है इस फोटो की, तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है गाइज, तो हमारा स्नैपशीट में जो काम था वो सिर्फ ब्लर करने का काम था, आगे का जो हम करने वाले हैं वो एकदम परफेक्टली स्मूथ करेंगे और वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। सो गाइज, अभी ये हमारा इमेज सेव हो रहा है, थोड़ा सा लेट कर रहा है सेव होने में, तो टाइम लग भी सकता है एंड आपके फ़ोन में नहीं भी लग सकता है, तो इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ये इमेज सेव हो जाता है, तो आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको उसी वाले गैलरी में चले जाना है जहाँ से हमने इस फोटो को सेव किया था एंड देन इसके बाद आपको फिर से इसको शेयर करना है। इस बार आपको स्नैपशीट में शेयर नहीं करना है, ना ही पिक्सआर्ट में करना है, सीधे आपको करना है पिक्सिव प्रो एप्लीकेशन के अंदर। एंड ये एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि गाइज अभी हम देख लेते हैं वो इमेज हमारी सेव हुई या फिर नहीं। तो स्नैपशीट, ये रहा स्नैपशीट, तो हमारी इमेज यस, हमारी इमेज हो चुकी है सेव। तो अब हम चलते हैं पिक्सी प्रो में। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ़ेक्ट ऑप्शन में चलना है, इंसर्ट पिक्चर में चलना है एंड अभी जो हमने इमेज को सेव किया है उसी इमेज को हम यहाँ पर लेकर आते हैं स्नैपशीट से। ओके, सो देन यहाँ पर लाने के बाद राइट पर क्लिक करना है एंड आपको ये इरेज़र मिलेगी। ओके, इरेजर पर क्लिक करने के बाद इसका फुल साइज़ कर दीजिए एंड इसको फुल्ली रिमूव कर दीजिए। अब रिमूव करने के बाद आपको अपने इमेज को जूम करना है सबसे पहले। ओके, एंड जहाँ पर भी आपके डार्क स्पॉट्स या फिर पिंपल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको ब्रश पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इसका साइज़ आप मतलब कि बड़ा ही रखिएगा, ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम रख सकते हैं आप एंड इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। अब गाइज, जैसे कि यहाँ पर मान लो हमारे पिम्पल्स हैं, ओके, तो स्ट्रेंथ को और भी कम कर लेते हैं एंड उसके बाद जहाँ भी आपके पिंपल एंड डार्क स्पॉट्स हैं उन पर हल्के हल्के से स्लोली आप लोग चलाएंगे एंड सबसे पहले जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हैं उन्हीं पर सबसे पहले आपको चलाना है। एंड गाइज, उसके बाद आपको अपनी फुली स्किन पर इस टाइप से, जैसे मैं कर रहा हूँ, इसी टाइप से आपको स्मूथ करना है। सो गाइज, आप लोग ये देख सकते हैं जो हमारा इमेज है वो एकदम परफेक्टली स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बिफोर दिखाता हूँ, तो बिफोर आप ये देखिए, स्किन की देखिए एंड इसके बाद मैं आफ्टर दिखाता हूँ। तो आफ्टर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट स्मूथिंग हो गई। ओके, सो गाइज, अब बात आती है कि आप अपनी स्किन को वाइट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको इमेज को सेव कर देते हैं एक्सपोर्ट में जाकर और यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसको सेव एंड अब हम इसी इमेज को ओपन करेंगे लाइट रूम में।
सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ लाइट रूम में एंड यहाँ पर सबसे पहले क्रॉप वाले ऑप्शन में जाऊँगा एंड यहाँ से मैं अनलॉक करके इनके फेस को हम जूम कर लेते हैं, क्योंकि इस इमेज में हम कोई वैसी वाली रिटचिंग नहीं करने वाले, हम सिर्फ फेस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनके फेस को क्रॉप कर लेते हैं। एंड अब बात आती है कि आप लोग परफेक्ट वाइटनिंग अपनी स्किन को कैसे देंगे। सो गाइज सबसे पहले आपको सन वाले आइकन में जाना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन कॉन्ट्रास्ट का। तो कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन जो होता है वो उसको हम सबसे पहले थोड़ा सा माइनस करते हैं हल्का सा, एंड देन उसके बाद आपको मिलता है हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। एंड इसके बाद आपको मिलता है शेडोज़, तो शेडोज़ को आप कम कीजिए एंड आप वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एंड इसके बाद आपको चलना है थर्मामीटर वाले आइकन में एंड यहाँ पर आपको मिलता है मिक्स टूल। इस टूल में आपको सबसे पहला कलर मिलेगा रेड, जिसकी की सैचुरेशन आप लोग बढ़ा दीजिए एंड इसकी ल्यूमिनेंस बढ़ाइए। ओके, तो इससे होगा क्या कि आपके लिप्स हैं, लिप्स का कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एंड इसके बाद जो सेकेंड कलर होता है ऑरेंज, इस कलर में आपकी स्किन आती है, तो यानी कि इसकी आपको सैचुरेशन जो है वो कम करनी है एंड ल्यूमिनेंस आपको बढ़ानी है। एंड काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ल्यूमिनेंस बढ़ा देते हैं तो ये चीज़ ओवर हो जाती है, तो इसको आपको लिमिटेड रखना है, ज़्यादा ओवर नहीं करना, ताकि आप लोग बहुत अच्छी स्किन वाइट भी हो एंड ओवर भी ना लगे, तो इस टाइप से आपको करना है। तो बहुत ही नॉर्मल सा हम वाइट यहाँ पर करते हैं एंड देन उसके बाद आपको मिलती है ब्लू टोन, तो इसको आप ह्यू माइनस कर दीजिए। एंड देन उसके बाद आपको अपने स्किन पर हल्का सा टेक्सचर जैसे कि फोटोशॉप पर आता है तो वो लाने के लिए आपको डिटेल ऑप्शन में चलना है एंड सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है आपको शार्पनिंग का, तो इस शार्पनिंग ऑप्शन को आप खोल दीजिए एंड उसके बाद आपकी स्किन में एक टेक्सचर आ जाएगा जो कि फोटोशॉप जैसा सेम होगा एंड आप डिटेल को भी ओपन कर सकते हैं एंड उसके बाद आप नॉइज रिडक्शन को माइनस कर सकते हैं, इससे आपके इमेज में जो भी नॉइज होगी थोड़ी बहुत भी वो माइनस हो जाएगी। इसके बाद डिटेल को आप एक बार फिर से फुल कर दीजिए, उसके बाद आपके फेस में एक अलग ही टेक्सचर आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं हमारा इमेज जो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको बिफोर, तो आप बिफोर देख सकते हैं स्किन स्मूथनिंग होने के बाद जो हमने वाइटनिंग डाली है वो भी एकदम परफेक्टली, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आप देख सकते हैं रिजल्ट आप लोग के सामने है एंड आप देख सकते हैं जो फोटोशॉप में टेक्सचर एंड स्मूथनिंग एंड शाइनिंग जो होती है वो आपके सामने मैंने लाकर दिखा दी, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। तो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।